इस थ्योरी के हिसाब से यू आर वेरी सर्टेन कि ये अवध और पूर्वांचल के एरिया का इनका होमलैंड हाँ। रहा होगा हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी जो था वो कोर था और वहीं पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये प्रयाग या तो कोसाम्बी अच्छा जो प्रयाग के बगल प्रयागराज के बगल में है वो जो थी वो कैपिटल थी जाति वाले एस्पेक्ट पे डिबेट बहुत चलती है क्योंकि देखिए जो श्रीगुप्त नाम है ना उसमें जैसे आप स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन व्यूज़ हैं जो अर्ली ब्राह्मण रूलर्स थे उनमें ये एस्पेक्ट बहुत मतलब कॉमन है कि वो अपनी जो वर्ण आइडेंटिटी थी वो अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखते थे समुद्रगुप्त अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं लिच्छवी दौहित्र दोहित्र, दोहित्र संस्कृत में कहते हैं बेसिकली नाती को अब स्कॉलर्स का कहना है कि इस पीरियड में बेसिकली आ, जो समुद्र गुप्त है समुद्र गुप्त का असेशन इतना सिंपल नहीं हुआ था यहाँ पे सिविल वॉर लड़ी गई थी कुमार गुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए उनके बारे में भी लगभग क्लियर है और फिर स्कंद गुप्त के पीरियड में तो हम हंड्रेड परसेंट जानते हैं कि वो ही थी <laughs> मतलब जो हम एक परसेप्शन है कि गुप्त का बड़े प्यार प्यार से राजा बन रहे थे hmm. तो वो इतना आसान नहीं है समुद्र गुप्त एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशंट इंडिया और दी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता और जैसे कि आपने पहले देखा कि मौर्यों का भी एक कोर था और उसमें एक पर्सपेक्टिव ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस है कि गुप्त जो रूलर्स थे स्पेशली समुद्र गुप्त को ना मौर्यों के बारे में पता था लेकिन एंड में ये होता है कि चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई को मार देता है और अपनी जो भाभी है उससे शादी करके देवी देवी चंद्रगुप्त से फिर राजा बन जाते हैं समुद्रगुप्त लिखते हैं अपने उसमें कि मैंने शकों को भी जो है वो कॉन्कर कर लेकिन कॉन्कर वोंकर कुछ नहीं करा प्रभावती गुप्ता वकाटक की क्वीन है रेजेंट है लेकिन जो पहले की सात लाइन है उसमें वो जीनियोलॉजी बता रही है गुप्त साम्राज्य <laughs> और दूसरी उससे इंटरेस्टिंग बात बता है क्या है अपने पति के लिए वो टाइटल इस्तेमाल करती है महाराज अपने पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए इस्तेमाल करती है महाराजा हेलो जय कैसे हो भाई वेलकम बैक बढ़िया यार तुम्हारा जो नया YouTube चैनल बनाया है तुमने हिंदी वाला काफी बढ़िया काम कर रहे हो उसका थोड़ा बता दो अपना जो क्या नाम क्या है YouTube चैनल का द स्टोरी ऑफ इंडिया नाम है तो हिंदी वाले का हाँ स्टोरी ऑफ इंडिया है ठीक है तो दो अब चैनल हो गए एक इंग्लिश में एक, हिंदी, एक हिंदी, में। हिंदी में सही है तो हमारे चार एपिसोड हो चुके हैं इस पूरी सीरीज में जो हम कर रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं गुप्ता उस पर द गोल्डन पीरियड जो बोला जाता है कई लोग उस पर एग्री नहीं करते जो आपने बताया अभी कि कुछ डिबेट है उस पर तो हम चर्चा करेंगे कि ये गोल्डन पीरियड था या नहीं था हुँ. क्या आर्ग्यूमेंट्स है फॉर एंड अगेंस्ट बट लेट स्टार्ट कि जब इनका गुप्ता एम्पायर जब शुरू होता है उससे पहले हमने पिछली बार बात की थी कुषाण पीरियड की तो उसके बाद क्या एनवायरनमेंट है जब ऑन ऑन द अरा ऑफ द सीन ऑफ गुप्ता क्या माहौल है पॉलिटिकल सीन क्या है नॉर्थ इंडिया में जैसे बेसिकली uh, अराउंड 250 फिफ्टी एडी uh, पहले जैसे आपका लगभग बिहार तक का जो रीजन था कुशाण के अंडर था लेकिन अब क्या है कि जो कुशाण है एक स्मॉल पावर वेस्टर्न पंजाब के अराउंड है और यहाँ पे वैक्यूम सा हो रखा है पूरा का पूरा तो इस वैक्यूम को ना बहुत जो स्मॉलर पावर्स हैं वो फिल कर रही हैं। तो जैसे आपका मथुरा और नीचे झांसी वासी के इलाके में नाग पावर्स डोमिनेट हो रही है फिर उसके बाद जो मालवा का रीजन है वहां पे एक पावर आ रही है उसका नाम है वकाटक अच्छा और फिर आप जैसे क्या कहते हैं इधर ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे तो वहां पे मग करके एक किंगडम है तो ऐसे छोट छोटी छोटी किंगडम्स जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो गुप्त एम्पायर है एम्पायर अभी तो क्या एक छोटी सी किंगडम थी उसका राइज होता है ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स थे बेसिकली ये 280-300 एडी के अराउंड इनका एमरजेंस हुआ था तो वो कौन थे दो जो ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं बेसिकली दो रूलर हैं श्री गुप्त जिनको कभी कभी महाराज गुप्त भी बोला गया है और घटोत्कच गुप्त अच्छा तो इनके बारे में ना इनके कॉइन्स मिलते हैं हमको ना इनके इंस्क्रिप्शंस मिलती है हम इनके बारे में जानते है क्योंकि हिस्टोरियंस इन... हाँ, थे थे। को पहले ये समझना पड़ेगा कि आ, जो ये श्रीगुप्त और महाराज गुप्त थे इनकी टेरिटरी कौन सी थी हाँ, इनका मतलब बेसिकली वेर स्टार्ट फ्रॉम इनका होमलैंड क्या है क्योंकि कई सारी थ्योरीज है बिहार में बताता है कोई बंगाल में कोई कहीं पे तो क्या मतलब थ्योरीज और उनका क्या रीजन है वो सब थ्योरीज़ देने का सोर्सेस क्या हैं तो इसमें जैसे बेसिकली uh, तीन थ्योरी जैसे आपने कहा कि एक तो है ईस्टर्न यूपी की फिर मगध और फिर वेस्टर्न बंगाल अब इसमें क्या है कि अब जैसे आप सोर्सेज ईस्टर्न यूपी में कहा है ईस्टर्न यूपी बेसिकली आपका अवध और जो आज का पूर्वांचल रीजन है अच्छा तो उसमें आ, अब आप यदि देखेंगे सबसे पहले कॉइनेज कॉइन की जो होर्ड जो कॉइन के बड़े बड़े ढेर मिलते हैं पुराने सिक्कों के तो उसमें हम देखते हैं कि कुल मिला के चौदह ऐसे ढेर मिले हैं अर्ली गुप्ता रूलर्स के और चौदह में से आठ जो है वो तो पूरे के पूरे मिले हैं आपको सॉरी चौदह जो ढेर हैं वो ईस्टर्न यूपी में मिले हैं केवल अच्छा और जो ये चौदह ढेर है इसमें जो जो तीसरा गुप्ता रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट क्योंकि जैसे हमने बताया कि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के बारे में कुछ हमारे पास थानी ना मटेरियल है ना ना इंस्क्रिप्शन है ना कॉइन्स है तो चौदह ढेर हमको मिले हैं ईस्टर्न यूपी में दो मिले हैं मगध में मगध में और दो मिले हैं बंगाल में तो जो तुमने थ्योरी बताई थी पिछली बार जैसे हम योद्धे की बात कर रहे थे कि रोहतक में सबसे ज्यादा मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा तो इसमें भी ये थ्योरी लगनी चाहिए फिर तो हाँ और दूसरी बात ये भी है ना कि जैसे जो अर्ली गुप्ता आप जैसे आप मगध के जो दो ढेर मिले हैं उसमें एक सिक्का समुद्रगुप्त का है सॉरी एक चं, एक चंद्रगुप्त का है और चार ऐसे समुद्रगुप्त के है बाकी सारे के सारे चंद्र चंद्रगुप्त सेकंड के बाद के हैं मतलब समुद्रगुप्त के बाद जो राजा है उनके हैं और वैसे ही बंगाल का हिसाब है कि अर्ली गुप्ता रूलर्स के हैं अब और हमको क्या कहते हैं कि जो जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त के सिक्के बंगाल में नहीं मिलते अच्छा फिर उसके बाद आप इंस्क्रिप्शंस की बात करोगे तो इंस्क्रिप्शंस में भी वैसा ही है कुल मिला के पंद्रह इंस्क्रिप्शन है स्टार्टिंग के डेढ़ सौ साल के गुप्त गुप्त साम्राज्य के और उस पंद्रह इंस्क्रिप्शंस में से जो आपकी लगभग आठ है आठ ईस्टर्न यूपी में आती हैं, दो जो है वो बिहार में और जो दो बिहार से आती है ना उसमें भी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फर्जी इंस्क्रिप्शन है मतलब किसी ने कॉपी बना के बाद में कर दी होगी और एक इंस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो वो अयोध्या की बात कर रहा है और बिहार की बात कर ही नहीं रहा तो और मतलब आपका और पांच जो है बंगाल में है लेकिन बंगाल की आप पांच इंस्क्रिप्शंस देखोगे ना तो वहां पे वो सेल और परचेज लैंड की जो है कॉपर प्लेट ग्रांड वो टाइप की है लेकिन जो आपकी ये आठ इंस्क्रिप्शन यूपी में मिली है ना वो राजाओं से रॉयल इंस्क्रिप्शन है अच्छा हाँ। तो जो अर्लिएस्ट जो दिखाती है हाँ। वो और मैक्सिमम नंबर्स में भी हाँ। इस थ्योरी के हिसाब से यू आर वेरी सर्टेन कि ये अवध और पूर्वांचल के एरिया का इनका हाँ होमलैंड रहा होगा हाँ और इस ये जो रीजन था जैसे कि पहले मग यहाँ पे रूल करते थे उनको रिप्लेस करके ये श्रीगुप्त और श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने अपना वो बनाया दूसरा क्या है कि जैसे जो अर्ली जो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस मिलती है ना गुप्त गुप्तों के हमको तो उसमें इंटरेस्टिंगली बात क्या कर रखी है इन्होंने गुप्त राजाओं ने कि जब श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त की बात आती है तो उसमें वो टाइटल इस्तेमाल करते हैं इनका महाराज और चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहते हैं महाराजाधिराज तो उससे कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो श्रीगुप्त और घटोदगज गुप्त है ना पेटी रूलर्स थे या फ्यूडेटरी होंगे कोई एक मतलब बड़े लेवल का या इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे इसीलिए इनको महाराज बोला गया महाराजाधिराज नहीं बोला गया लेकिन जो तीसरा रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट उसके बारे में हम जानते हैं कि उस पर और क्योंकि और तो उनके हमारे पास सिक्के भी हैं और फिर जो हमारे पास कॉइन्स भी हैं उनके और इंस्क्रिप्शंस जो लेटर गुप्ता रूलर्स के इंस्क्रिप्शन है उसमें उनको महाराज धिराज बोला गया है और कैपिटल क्या था इनका <laughs> कैपिटल में देखिए डिबेट है अब जनरली तो सर लोग समझते हैं पाटलिपुत्र थी लेकिन पाटलिपुत्र में गुप्त इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली है हुँ. फिर दूसरा क्या है कि जैसे जो आप कह रहे हो जो लेटर पीरियड में भी जो मिली है हाँ, जैसे हमने कहा स्कंदगुप्त के बाद वाले रूलर्स हैं उनका भी वहीं पे मिला है ईस्ट हाँ, यूपी में हाँ, तो लॉजिकली तो उसी तरफ ग्रेविटेट कर रहा है ना नहीं, नहीं स्कंदगुप्त के बाद तो ईस्टर्न शिफ्ट होता है जैसे अच्छा, समुद्रगुप्त और बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड तक ना हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी जो था वो कोर था और वहीं पे कहीं कही ना कहीं मेरे हिसाब से ये प्रयाग या तो अच्छा। जो प्रयाग के बगल प्रयागराज के बगल में फेमस जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है अच्छा अब इंटरेस्टिंगली वो प्रशस्ति क्या है ना वो एक अशोकन पिलर है उसपे समुद्रगुप्त ने लिखवा रखा है और वो मतलब एक आप इंटरेस्टिंग फैक्ट कहो कि उस पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में कि उसमें चार अलग अलग पीरियड्स के राजाओं के बारे में पहला तो अशोकन इडिक्ट है तो अशोक ने कुछ लिख रखा है फिर समुद्रगुप्त ने उसी पत, उसी पिलर पे लिखा फिर उसके बाद सबसे एंड में जहांगीर ने लिख रखा है और बीच में बीरबल ने पंद्रह में लिख रखा है और इंटरेस्टिंगली वो नागरी स्क्रिप्ट में लिखता है जहांगीर लिखता है परजियन में अच्छा। नागरी स्क्रिप्ट में बीरबर लिखता है कि वो ऑफरिंग देने आया है पिलग्रीमेज पे तीर्थराज प्रयाग में और वो इंटरेस्टिंगली पीरियड इसलिए है क्योंकि पंद्रह में जो इलाहाबाद का किला है वो अकबर ने बना दिया था हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे वो जाता है और इस समय तक उसने नाम इस्तेमाल करा है तीर्थराज प्रयाग हम्म इंटरेस्टिंग तो ये तो इनके होमलैंड की बात हो गई कैपिटल की बात हो गई जो अर्ली पीरियड में भी जो एविडेंस पॉइंट आउट कर रहा है वो ईस्ट यूपी का कर रहा है और ये बंगाल वाली थ्योरी और ये बिहार वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही एविडेंस के हिसाब से सही नहीं दिखती है तो ये हो गया अच्छा अब रीजन पता चल गया हमको इनके अर्ली रूलर्स पता चल गए उस टाइम पे कौन कहाँ राज कर रहा था वो पता चल गया अब चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे जो सबसे मेन मतलब सीरीज ऑफ रूलर्स मेन रूलर्स में से फर्स्ट चंद्रगुप्त वन तो इनका आने से पहले इसके बारे में जाने से पहले ये जो एक क्वेश्चन आता है कि इनकी जाति क्या थी जाति वाले एस्पेक्ट पे डिबेट बहुत चलती है क्योंकि देखिए जो श्रीगुप्त नाम है ना उसमें जैसे आप स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो बेसिकली तीन व्यूज हैं कुछ का कहना है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे वर्ण इस समय इस्तेमाल बात हो रही है और कुछ का कहना है कि ब्राह्मण थे कुछ का कहना था क्षत्रिय थे सारे बेस कवर हो गए शूद्र बच गया है तो बेसिकली मोस्ट स्कॉलर्स दो डोमिनेंट व्यू है या तो ब्राह्मण थे या तो क्षत्रिय थे और उनके कारण क्या है कि वो इस तरीके से बोलते हैं ब्राह्मण कहने का कारण यह है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो समुद्रगुप्त के बाद आए थे या चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो पोते थे उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी से करवाई थी वकार्टक थे ब्राह्मण पक्का पता है। हाँ क्योंकि वकाटक राजा जो हैं, अपने आप को द्विज बोलते हैं अच्छा। अब द्विज जो है वो ट्वाइस बॉन्न बेसिकली उसमें आपके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों इंक्लूड होते हैं लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि जो अर्ली इंस्क्रिप्शन है ना एंशियट इंडिया की द्विज टाइटल मोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राह्मणों के लिए यूज होता है इंस्क्रिप्शन में खासकर और उनका जो गोत्र भी है ना उन्होंने जो बताया है हमको वो भी ब्राह्मणों का गोत्र आजकल पाया जाता है धारण धारण तो गुप्त का था और जो वकाटकों का मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय आ, मेरे को भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा धारण और एक ध्यान से कोई नहीं चलो आ, तो आ, तो बेसिकली अब इसकी वजह से क्या है कि इस पीरियड में दो व्यूज हैं अब यही वाला जो पर्टिकुलर फैक्ट है ना इसको कि गुप्ताओं ने काटकों से शादी करी थी तो स्कॉलर इस इसी पर्टिकुलर फैक्ट को दोनों व्यूज के लिए यूज़ लेकिन करते। ऐसा हुआ है ना मतलब कि उस समय भी ये प्रचलन में तो था कि बेशक अगर जाति अलग अलग है लेकिन राजा महाराजा हैं, तो शादियां होती थी तो इसीलिए तो मैं जैसे कि जो स्कॉलर्स हैं, ये पर्टिकुलर फैक्ट है कि भाई शादी करी है चंद्रगुप्त सेकंड ने इस क्या कहते हैं प्रभावती गुप्ता की वकाटकों में तो कुछ स्कॉलर जो ब्राह्मणों कहते हैं कि गुप्ता ब्राह्मण थे उनका कहना है कि भाई देखिए सेम वर्ड में शादी हुई है इसीलिए गुप्त ब्राह्मण थे लेकिन जो क्षत्रिय कहते हैं वो कहते हैं कि भाई जो इस पीरियड ये पीरियड था ना तो इस पीरियड में बेसिकली अगर जो लड़का है जिसकी शादी हो रही है वो अगर हायर वर्ण का है तो वो लोअर वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है वो अलाउड था अच्छा तो वर्ण हायरकी में ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय आते हैं तो क्षत्रिय लड़की वकाटक जो कि ब्राह्मण है उनसे शादी हो रही है तो ये भी अलाउड है तो एक ही फैक्ट है नहीं 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 मतलब अगर लड़का क्षत्रिय है नहीं लड़का तो वकाटक थे ओ, ना। ओ, हाँ सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है वकाटक ब्राह्मण थे लड़की की शादी हाँ, तो वो भी अलाउ वो है ठीक ठीक तो उसमें क्या है कि अब ये बो, ये बो, एक हमारे पिछले से पिछले एपिसोड सबसे फर्स्ट आगा मेरे हिसाब से जैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि हाँ, हाँ, तो क्योंकि एक चीज इंटरेस्टिंग जैसे आप जब भी पढ़ेंगे ना तो वकाटकों की आप बात करें तो वकाटक अपना जो द्विज टाइटल है वो बड़े प्राउडली वो करते हैं कि ब्राह्मण वो फिर उसके बाद आप सातवाहनों को देखोगे सातवाहन हमने पिछले में डिस्कस करा था तो सातवाहन अपने को कहते हैं एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणा कहते हैं मतलब वो प्राकृत में है तो और अपने आपको कहते हैं क्षत्रिय दाप मनमदा मतलब उनके इंस्क्रिप्शन में आता है कि क्षत्रियों की जो जो हॉटिनेस है ना उनको कंट्रोल करने वाले हम थे तो जितनी भी जो अर्ली ब्राह्मण रूलर्स थे उनमें ये एस्पेक्ट बहुत मतलब कॉमन है कि वो अपनी जो वर्ण आइडेंटिटी थी वो अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे तो मेरे हिसाब से अब गुप्त इतना मतलब इन्होंने रूल करा लेकिन कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं करा अपनी आइडेंटिटी तो मेरे हिसाब से क्योंकि एक जर्नल बिलीव था कि जो क्षत्रिय थे वो रूल करेंगे तो उनको था कि भाई नीड ही नहीं है हमको हम क्यों करें फिर जो तो मेरे हिसाब से वो है लेकिन ये वाला अभी भी मतलब जैसे बहुत डिबेट है इस पर तो अभी भी आप कह सकते हो लेकिन ब्रॉडली मेरे हिसाब से दो ही होंगे या तो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे दोनों में से कोई एक ठीक है तो ये अच्छा दूसरी बात एक और चीज है कि जो क्षत्रिय वाले जो कहते हैं और ब्राह्मण वाले कहते हैं उसमें अब इन्होंने लच्छवी से शादी करी थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवियों की बेटी कुमार देवी से शादी करी थी अब लिच्छवी क्षत्रिय थे ये तो हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है तो इसमें भी देखिए वो क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि क्षत्रिय क्षत्रिय शादी कर सकते हैं चंद्रगुप्त क्योंकि क्षत्रिय था चंद अगर ये तो मतलब जो क्षत्रिय वर्ण को सपोर्ट करते हैं थ्योरी उनका कहना है कि देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो क्षत्रिय था और लिच्छवी जो थे वो क्षत्रिय थे तो दोनों में शादी होगी वहीं पे अगर गुप्त को अगर आप ब्राह्मण कह रहे हो तब भी वो क्षत्रियो में शादी कर सकते थे क्योंकि चंद्रगुप्त ब्राह्मण है लिच्छवी जो उनकी जो रानी से शादी हो रही है वो एक क्षत्रिय तो यहाँ पे भी वर्ण हार में ब्राह्मण जो है तो एक ही फैक्ट को दोनों यूज कर रहे हैं आसानी से आ, वो तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से आ, कर ही लेते हैं अच्छा ठीक है ये सब जो बेसिक मतलब जो थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिया अब जो चंद्रगुप्त वन है उनके बारे में जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे वो यही मतलब जो फैक्ट याद रहा कि उन्होंने भाई आ, लिच्छवी प्रिंसेस जो है उनसे शादी की थी बट इनके बारे में थोड़ा बताइए कि इनकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है पहले ऐसे राजा हैं जिनका जैसे आपने बताया कि पहले श्री गुप्ता उनका तो घटोत्कच का तो ज्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन ये ऐसे पहले हैं जो सोटू से कि अपना मार्क बनाते हैं तो वहां से बता इनसे शुरू कर लेते हैं एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना भूल गया घटोत्क के स्पेशलीसल uh, कंद, में एच सी राय चौधरी ने बहुत फेमस बुक लिखी है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया फ्रॉम द सेशन ऑफ परीक्षित टू द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता तो उसमें एक वो इंटरेस्टिंग बात ये कहते हैं कि घटोत्कच के बारे में घटोत्को कि एक महाभारत के भी कैरेक्टर हैं ये भीम के बेटे hmm. तो उसमें जो घटोत्कच का नेगेटिव एस्पेक्ट था ना तो जो फाइनल रिडेक्शन महाभारत की गुप्त पीरियड में कंपाइल हुई तो उसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे घटोत्कच को लेकर उसको कम कर दिया गया क्योंकि जो गुप्त राजाओं की सेंसिबिलिटी भाई उनका जो महाभारत अच्छा। तो तो बड़ा, बड़ा, बड़ा जो जो हाँ। के उसमें वो नहीं है क्या उतना नेगेटिव हाँ उतना नेगेटिव नहीं है तो जो फाइन वर्चुअल दिखाया गया है उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसमें जो घटोत्कच के सिन वगैरह हैं उनको थोड़ा दबा दिया गया है तो एच सी राय चौधरी के हिसाब से ये जो गुप्त रूलर्स की को देखते हुए बट इसका कुछ भी प्रूफ है कि वहां पे उस समय कोई ना कोई चेंज आया है या ये जस्ट अ थ्योरी चेंज आया मतलब घटोत्कच का जो पहले अकाउंट था हाँ। और जो उसके बाद हुआ गुप्ता पीरियड के बाद वहां नहीं, उसमें कुछ... वो है ना आ, क्या कहते हैं भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो कंपाइल कंपाइल किया हाँ। गया है तो, मतलब कम्पाइल उन्होंने तो पहले वाले जो वर्जन है डेटेडोर वर्जन तो डेटेड है नहीं अलग अलग वर्जन हैं महाभारत के तो कुछ वर्जन में जो नेगेटिव है हाँ थोड़ा नेगेटिव ज्यादा दिखा रखा है जो हमारे पास अभी आया है तो उस हिसाब से उनका ये कहना है एच सी राय चौधरी का ये व्यू है अब जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात आई तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी अब ये शादी होती क्यों है इसके लिए पहले समझने के लिए ना कोई पॉलिटिकल मैप हमको देखना पड़ेगा कि जैसे जो ये नाग थे जो कि सेंट्रल इंडिया में थे और वकाटक थे तो ये क्या होता है कि नागों की एक प्रिंसेस की शादी होती है वकाटका प्रिंस से और दोनों की टेरिटरी एक तरह से कंबाइंड जॉइंटली रूल हो जाओ करने लगते हैं हुँ. और फिर इसका इसके रिस्पॉन्स में क्योंकि एक सेंट्रल इंडिया में एक पावर ब्लॉक खड़ा हो गया है हम देखते हैं कि जो यौद्धे हैं वो भी अपनी एक मतलब एक अलायंस ऑफ शॉर्ट्स बना रहे हैं क्योंकि इंस्क्रिप्शन से लगता है हमको कि भाई इस समय कुछ एक अलायंस बनाने की कोशिश चल रही थी आपस में रिपब्लिक्स का तो अब क्या है कि आपको नॉर्थ इंडिया में एक पावर ब्लॉक खड़ा हो रहा है सेंट्रल इंडिया में खड़ा हो चुका है तो यहाँ पे क्या आता है कि ये जो अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं जो ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे हैं और जो वृज्जी या लिच्छवीज जो हैं जो अभी बिहार बिहार में है उनके पास ऑप्शन था या तो भैया वो ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया में जो पावर उभर के निकलेगी वो इनको हरा देगी या तो तुम जॉइंट हाथ जोड़ लो तो तो इन्होंने वही करा कि मेट्रीमोनियल अलायंस होता है और मेट्रीमोनियल अलायंस में चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी होती है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से अब इसकी इंपॉर्टेंस चंद्रगुप्त के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के काल के ए, म, काल में सिर्फ एक ही टाइप के सिक्के इशू हुए हैं जिसको कहते हैं किंग क्वीन टाइप कॉइन्स उसमें आप देखोगे ना तो जो ऑब्वर्स है ऑब्वर्स बेसिकली कॉइन के उस हिस्से को कहते हैं जहां पे uh, चेहरा बना हो तो राजा का चेहरा या इशुइंग अथॉरिटी का तो ऑब्वर्स में आप देखते हैं कि एक तरफ चंद्रगुप्त फर्स्ट है और दूसरी तरफ उनकी रानी कुमार देवी है हुँ. और चंद्रगुप्त कुछ कुछ सिक्कों में दिखाया गया चंद्रगुप्त uh, उनको कुछ दे रहे हैं कुछ में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि रिंग दे रहे हैं कुछ में लग, कुछ और रिंग को स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि ये बेसिकली चूड़ी है कोई और कुछ में रिंग की जगह कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का है तो कुछ जैसे ए एस आर बेसिकली उन्होंने गुप्ता कॉइनेज पे बहुत काम करा है तो वो कहते हैं कि सिंदूर है तो और, और क्योंकि इंपॉर्टेंस देखे कि इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी गुप्ता प्रिंसेस इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन में गुप्ता क्वीन जो है इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन में नहीं डिपिक्ट हुई और इंटरेस्टिंगली जो रिवर्स आप देखोगे ना तो रिवर्स में लक्ष्मी जी की फोटो है नीचे उन्होंने लिच्छवाया करके लिख रखा है कि पूरी इंपॉर्टेंट हाँ पूरी एक्नोलेज कर रहे हैं कि भैया आपकी वजह से मतलब अलायंस हुआ है तो चंद्रगुप्त का तो समझ में आता है कि भाई वो ब्रिजी एक लिच्छवी एक स्टेब्लिश्ड पावर थी इसलिए वो अलायंस करना चाहते हैं लेकिन लिच्छवियों को ऐसा क्या पड़ गया था कि उनको अलायंस करना था तो एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो था उसकी वजह से दूसरा मेरे हिसाब से एक ये भी है कि लिच्छवियों को जो एक जैसे इस समय का परस्पेक्टिव था ना वो उनको बोलते थे फॉलन क्षत्रिय व्रातिक क्षत्रिय बोलते थे आ, महा इसमें मनु ने लिख रखा है इसको लिच्छवियों को अच्छा तो एक मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट था कि भाई हम आ, अपनी शादी जो है एक वेल एस्ट मतलब एक जो कि डोमिनेंट व्यू में एक अच्छा परिवार कहा जाता है उससे शादी करेंगे तो एक हमारा परसपेक्ट मतलब वो बन जाएगा तो चंद्रगुप्त के काल में और इंटरेस्टिंगली जब चंद्रगुप्त का सेशन होता है तीन सौ एडी के अराउंड तो यहाँ से शुरू शुरुआत होती है गुप्ता एरा की गुप्ता एरा की जितनी भी इंस्क्रिप्शन है ना वो हमेशा ऐसे बात होगी तो इन द ईयर सिक्सटी एट ऐसे करके इंस्क्रिप्शन शुरू होती है तो सिक्सटी एट बेसिकली अड़सठ साल चंद्रगुप्त के राज राज्य अभिषेक के बाद hmm. तो इसलिए इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त का पीरियड है क्योंकि वहाँ से गुप्ता एरा की शुरुआत होती है और ये जो लिच्छवी का जो संबंध था लिच्छवी और गुप्ता इसका समुद्रगुप्त के लिए इंपॉर्टेंट हुआ और समुद्रगुप्त अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं लिच्छवी दोहित्र दोहित्र संस्कृत में कहते हैं बेसिकली नाती को तो लिच्छवियों का नाती अच्छा। तो वो भी ये जो अपनी लेगेसी थी इसको कंटिन्यू कर रहे थे और समुद्रगुप्त के पीरियड में हम देखते हैं कि जो दोनों की टेरिटरी थी बेसिकली ईस्टर्न यूपी और लिच्छवियों का जो बिहार रीजन था वो एक कंबाइन हो जाता अच्छा तो इसमें इसके बाद फिर एक जो फेमस जो मतलब बहुत चलता है वो ये है कि सिविल वॉर भी समुद्रगुप्त के समय पे हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा बताइए जैसे समुद्रगुप्त के पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद की प्रशस्ति या प्रयागराज की प्रशस्ति जो है अब उसमें क्या है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आ, ये ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त अपनी सभा उन्होंने बुला रखी है मैंशन है इंस्क्रिप्शन में और समुद्रगुप्त को बुलाते हैं अपने पास उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम जाके धरती की रक्षा करो तो हिस्टोरियंस ये पॉइंट करते हैं कि भाई ये ये मतलब डिपिक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी समुद्रगुप्त को कि उनका जो राज्य अभिषेक था वो चंद्रगुप्त के काल में ही हुआ और फिर उसके बाद उसकी बाद की लाइंस में हम देखते हैं ना कि एक तो इंस्क्रिप्शन बहुत बुरी हालत में है तो बाद की लाइन में एक केचित करके कुछ नाम आता है फिर उसके बाद ये क्षमा रिपेंटेंस ऐसे कर करके शब्द आते रहते हैं तो कुछ इसको फिर उसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि हमको काच करके एक रूलर के कॉइन भी मिल रहे हैं गोल्ड कॉइन्स काच तो अब केचित काच और गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं और लेटर लेटर में हमको मिल रहा है कि मतलब जहां पे बता दिया कि चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त ने राजा बना दिया है चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को राजा बना दिया तो अब स्कॉलर्स का कहना है कि इस पीरियड में बेसिकली आ, जो समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त का सेशन इतना सिंपल नहीं हुआ था यहाँ पे सिविल वॉर लड़ी गई थी तो एक स्कॉलर है श्रीराम गोयल उनके हिसाब से जो ये सिविल वॉर थी ये लड़ी गई थी और सिविल वॉर में बेसिकली क्या था कि गुप्त कोर्ट के दो फैक्शन बन चुके थे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी करी थी लिच्छवी से तो एक फैक्शन जो था अब जैसे लिच्छवियों का हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि लिच्छवी रिपब्लिक ट्रेडिशन से आते थे ये गुप्ता मुनार्केल ट्रेडिशन से आते थे तो जो गुप्त कोर्ट में दो फैक्शन बन गए कि एक फैक्शन था जो लिच्छवी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था तो लिच्छवी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप समुद्रगुप्त को सपोर्ट कर रहे हो और एक फैक्शन बन गया था कि जो गुप्ता मुनार्केल ट्रेडिशन है उनका उनका था कि भाई लिच्छवियों का जो इन्फ्लुएंस है इतना कि मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट कोई मतलब अपने सिक्के भी कर रहा है तो उसमें लिछवा है लिख रखा है इतना इन्फ्लुएंस जो बढ़ रखा था उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक सेकंड पार्टी बन रखी थी और उसका जो बेसिकली हीरो या नेता जो था वो ये काच था परमेश्वरीलाल गुप्ता करके हैं उनके हिसाब से ये स्टेप ब्रदर था जो काच था वो समुद्रगुप्त का लेकिन और ये सब जो फैक्शनलिज्म बात कर रहे हो ये इसका सोर्स क्या है सोर्स नहीं स्पेकुलेशन है ये अच्छा <laughs> प्योर स्पेकुलेशन है यार तो, क्या है यार पूरी कहानी सुना दी तुमने और कह स्पेकुलेशन है तो उसमें आप ये देखिए किस किस स्पेकुलेशन है ये ये श्री राम गोयल की उनके वो मतलब बुक बहुत अच्छी है उसमें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है 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 तो तो ये पूरी पूरी जो सिविल की पूरी कहानी है, ये सिविल वॉर वॉर तो की कहानी हुई है ना नहीं व, व, वी आर नॉट श्योर उसमें काच का एंगल है क्योंकि कुछ कहते हैं कि भाई ये कुछ सेकंड नेम था स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त का हाँ। कुछ कहते हैं बाद का कोई रूलर था उसने अपना नाम काच लिख रखा था क्योंकि तो, तो इंस्क्रिप्शन कुछ है नहीं और जो इंस्क्रिप्शन है वो भी डैमेज है Hmm. समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त राजा बन जाते हैं इस इस सिविल वॉर का क्या कंसीक्वेंस uh, के कंसीक्वेंस और इंपोर्टेंस एस सच कुछ कंसीक्वेंस नहीं, नहीं है लेकिन एक जैसे बाद के रूलर्स में ना हमको एक क्लियर सजेशन मिलता है क्लियर एक, एक वो आ, मतलब मिलता है कि भाई इतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता था एक राजा में दूसरे राजा में गुप्त गुप्त डायनेस्टी में खासकर तो अच्छा ये मतलब इसी उस उस समय की दिक्कत है या इस डायनेस्टी की प्रॉब्लम इस डायनेस्टी में तो स्पेशली खास कर क्योंकि देखिए अभी समुद्र गुप्त में ये दिक्कत थी या नहीं अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है बिल्कुल चंद्रगुप्त सेकंड जो की समुद्रगुप्त के बेटे थे उनके बारे में तो क्लियरली है कि उनमें लड़ाई हुई थी फिर उसके बाद कुमार जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद है उनके बारे में भी लगभग क्लियर है और फिर स्कंदगुप्त के पीरियड में तो हम हंड्रेड जानते हैं कि वो हुई थी <laughs> मतलब जो एक परसेप्शन है कि गुप्त का बड़े प्यार प्यार से राजा बन रहे थे तो वो इतना आसान नहीं है लेकिन समुद्रगुप्त जो है आ, सिविल वॉर का कुछ इम्पैक्ट पड़ा ये तो नहीं था लेकिन समुद्र गुप्त एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एंशंट इंडिया और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्ट और उसका वो ये जो आप तमगा पहना रहे हो समुद्रगुप्त को ये इसका कारण क्या है जो इलाहाबाद प्रशस्ति है इलाहाबाद प्रशस्ति में हमको जो समुद्रगुप्त ने कॉन्क्वेस्ट करी थी उसके बारे में बता रखा है अब सब तो इनका, इनका जैसे समुद्रगुप्त ने जब राजा बने हाँ। उस समय उनका कितना मतलब गुप्त गुप्ताओं का कितना हाँ। साम्राज्य था सा, अभी साम्राज्य नहीं अभी तो बस बेसिकली मतलब, किंगडम टाइप की थी सर, तो बेसिकली वही ईस्टर्न यूपी, यूपी, और ये जो लिच्छवियों की टेरिटरी वो तो, तो, तो समुद्रगुप्त ने शादी किया तब हुआ ना नहीं चंद्रगुप्त ने करी थी ना उसके बाप ने करी थी शादी ठीक समुद्रगुप्त तो अपने आप को लिच्छवियों का नाती कहते हैं ना तो उनके समय तक जो टेरिटरी थी लिच्छवियों की उनके पास आ चुकी थी तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक तरह से ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन ये समुद्रगुप्त के पास में है और जैसे कि ये आपने पहले देखा कि मौर्यों का भी एक कोर था और उसमें एक पर्सपेक्टिव ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत है कि गुप्त जो रूलर्स स्पेशली गुप्त को ना मौर्यों के बारे में पता था अच्छा और एक अटेम्प्ट अच्छा। मतलब वो एक हाँ मतलब वो उस एरिया से भी थे हाँ और क्योंकि भारत के परिपेक्ष में भी हाँ वो कहीं कही ना कहीं ये होगा कि ग्रेट डायनेस्टीज में से क्योंकि हाँ इन्फ्लुएंस और एक एम्बिशन टू रिक्रिएट द ग्लोरीज़ ऑफ द मॉडर्न पीरियड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको ना सेंट्रल इंडिया से लायन कैपिटल मिले हैं जो कि आज हमारा नेशनल सिंबल है वो तो अशोक कदा फे बेसिकली गुप्त पीरियड में भी उसको रिक्रिएट करा गया था अच्छा लायन सिंबल्स को सॉरी लायन कैपिटल को बट इसके अलावा लायन सिंबल तो ठीक है एक सिंबल हो गया लेकिन हमको क्या पता चलता है उनका एम्बिशन क्या था जैसे आपने कहा कि वो मौर्या उसके बारे में जानते थे yeah. तो वो मतलब ये कैसे पता चलता है कि जानते थे और वो किस रेफरेंस में ये हमको पता चलता है कि जानते ये भी पता चलेगा कि क्या चाहते थे देखिए कहीं इंस्क्रिप्शन में तो कहीं नहीं लिख रखा है समुद्रगुप्त ने कि आई वॉन्ट टू रिक्रिएट द्लो ग्लोबी वो तो, तो बिल्कुल लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई जो अशोकन कैपिटल है अशोकन कैपिटल हंड मतलब उस पीरियड में तो लोगों को पता था कि मौर्य मौर्न एम्पायर एग्जिस्ट करता था और उस समय के जितने भी मतलब ट्रेडिशन रहा होगा उसमें तो ऑब्वियसली मौर्य भाई अभी कितने आपके 700 500 साल के करीब हुए हैं तो भी एक ट्रेडिशन अलाइव तो रहा होगा कि एक मौर्य एम्पायर रहा होगा और जितने भी गुप्ता पिलर्स थे सॉरी मॉरन पिलर्स थे वो उनके सामने थे तो ये उनका अटैम्प्ट लाइन कैपिटल ही क्यों बना रहे हैं भाई बनाने के लिए तो कुशान पीरियड में देवकुल कुशानों ने बनाए थे उनको रिक्रिएट करना होता तो फिर देवकुल बनाते लेकिन जो अब वो लाइन कैपिटल बना रहे हैं बोध गया में आप देखोगे ना तो जो पिलर्स हैं बोध गया के वो ओरिजिनली मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के हैं गुप्त पीरियड में वैसे ही पिलर बनाने की कोशिश की गई है अच्छा <laughs> की मतलब एक तरह से हमको मतलब में कुछ नहीं मिलता है एक स्पेकुलेटिव है लेकिन मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन बस, बस ये है ना कि ये जो फिगर्स है हाँ। उनको रिक्रिएट करने की कोशिश है एंड फ्रॉम उससे हमको लगता है कि एस्पिरेशनल चीज है और एक सेम सेम रीजन रीजन में में भी तो आ रहे हैं है, सेम रीजन में है हाँ। और एस्पिरेशनल उनका हाँ। वो वो इसलिए उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा चीज लिखा कुछ नहीं हुआ है लिखा नहीं और दूसरी चीज आप ये भी तो देखिए समुद्र ने अपनी प्रशस्ति जो है वो किस पे लिखवाई थी अशोकन पिलर पे लिखवाई है चाहते तो भाई वो एक पत्थर पे अपना उकेर देते इंस्क्रिप्शन तो एक आपने एक क्लियर अटेम्प्ट है ना आपको कि भाई एंटीक्विटी से मॉरियन से आपको आपको रिलेट करना है तो आप अपनी इंस्क्रिप्शन भी जो है वो अशोकन पिलर पे क्या कहते हैं इंस्क्राइब करवा रहे हो तो ये मॉरियन एस्पिरेशन है या अशोकन ए, एस्पिरेशन है नहीं कॉन्क्वेस्ट तो अशोकन पिलर हम कहते हैं अशोकन पिलर तो 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 नहीं मैं ये जानना चाह जा रहा हूँ कि उनके समय में क्या अशोक की भी वो इमेज थी एज अ ग्रेट एम्पर अशोक की नहीं तो लेकिन मॉर्न एम्पायर की तो सर्ट एम्पायर की थी हाँ, और okay. आ, और वैसे भी अगर आप मॉर्न हिस्ट्री में देखो ना तो मेजर कॉन्क्वेस्ट जो थी वो चंद्रगुप्त और बिंदु बेसिकली चंद्रगुप्त के पीरियड में तो उस समय भी क्या लोग मतलब हाँ ये तो है। चंद्रगुप्त तो एक इम्पोर्टेंट फिगर तो थे ही विशाख दत्त जो कि चंद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त के बेटे के टाइम का कोर्ट पोएट था उसने तो मुद्र राक्षस लिखी है पूरी चंद्रगुप्त के ऊपर और जो चाणक्य चंद्रगुप्त कथा है उस पीरियड में बहुत पॉपुलर थी। कैसे? मैं पूछने वाला था कि जितने आज चाणक्य जो, जो है वो मॉर्न एम्पायर के नहीं थे या वो उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि चाणक्य मॉडर्न मॉर्न पीरियड में एग्जिस्ट करते होंगे हुं। लेकिन विष्णुगुप्त जिन्होंने या कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी वो एक गुप्ता पीरियड की पर्सनैलिटी थी और बेसिकली कौटिल्य या विष्णुगुप्त को हमने चाणक्य से कनेक्ट कर दिया गया ये स्कॉलर कुछ का है तो ये और इसमें कहीं ना कहीं जैसे नाम जो है हाँ, इनमें कितने एक चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त टू हाँ जो इसमें दिखता है हमको

वो कंपेल करता है और सबसे पहले जैसे जब आप जो प्रशस्ति है प्रयागराज वाली वो पढ़ोगे आप ना तो उसमें पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि वो क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स नहीं मेंशन है क्योंकि उसमें सबसे पहले मेंशन आता है जो सदर्न कैंपेन थी उसका लेकिन आप वैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जो कैंपेन करी थी वो बेसिकली आर्यावर्त कैंपेन आर्यावर्थ टर्म ही यूज करी गई है नॉर्दर्न इंडिया के लिए बेसिकली हाँ नाम तो वही था और उसमें हमको बताया है कि नौ रूलर्स थे नौ रूलर्स को उन्होंने उनका संघार कराया तो कह सकते हैं क्योंकि जब आप वो सदन जो सदन एक्सपीडिशन की बात करते हैं ना उसमें टर्म वो इस्तेमाल करते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब लोगों को मतलब उनको पहले कोई सरेंडर करके उनको फिर लिबरेट कर दिया गया अच्छा तो और दूसरा भी आर्य इनके, इनका जो टेरिटरी इन्होंने लिया वो भी नौ का उनका नाम है हाँ नौ का वो नाम दे कौन देते कौन हैं जैसे इंपॉर्टेंट रूलर तो आपके ये हो गए एक कोटा रूलर करके है अच्छा। कोट बेसिकली ये आपका दिल्ली और कुछ पार्ट हरियाणा का था अच्छा। यहाँ पे रूल करते थे फिर एक अच्छी राजा है हाँ। वो बेसिकली जो आपका अहिछत्र का बरेली रीजन है वहां पे फिर जो नाग दो गणपति नाग और नागसेन ये आपके सेंट्रल इंडिया में थे मालवा। तो, हाँ मालवा सेंट्रल इंडिया में तो ये सब ऐसे रूलर्स थे जिनको इन्होंने क्या कहते हैं वॉयल अब मारा हो नहीं हो लेकिन ये तो क्लियर था कि यहाँ से ऐसा नहीं था कि इनको कहा कि भाई अब तुम रूल करो बस हमने जीत लिया है और तुम लेकिन जो सेकंड कैंपेन थी आ, या फिर जो थर्ड कैंपेन थी बेसिकली जो आ, सदन कैंपेन थी सदन कैंपेन में देखते हैं कि हम समुद्रगुप्त कांची तक जाते हैं और इसमें भी जो रूट है ना रूट वो बेसिकली लेते हैं उड़ीसा के थ्रू जाते हैं okay. उड़ीसा के थ्रू जाते जाते हैं और कांची तक पहुंचते हैं लेकिन ये वाली एक तरह से आप कह सकते हो एक पावर डिस्प्ले टाइप का था क्योंकि उसके बाद हमको को कोई गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे रूल देखने को नहीं मिलता hmm. तो बेसिकली सबसे पहले जरा पीछे आ जाते हैं कि जो आर्यवर्त टेरिटरी है ये नौ रूलर्स को उन्होंने मार दिया है या उनकी टेरिटरी पर अपना कब्जा कर दिया है फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो प्रत्यांत रीजन जो है उस पर कॉन्कर करते हैं तो प्रत्यंत सॉरी प्रत्यंत फ्रंटियर स्टेट्स को कहते हैं frontier... मतलब हाँ, जैसे उसमें नाम आता है ऑन द नॉर्थ साइड हाँ नेपाल समतट समतट बेसिकली आज का जो बांग्लादेश रीजन है वो अच्छा फिर उसके बाद कामरूप आसाम देवक देवक भी गुवाहाटी के आसपास का है फिर एक कीर्तरपुर ऐसे कुछ करके टर्म है कीरतपुर हाँ कीर्तपुर तो उसमें क्या है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कपूरथला है कुछ कहते हैं कुमाऊँ है और कुछ कहते हैं कि लाहौर के आसपास का इलाका है फिर उसके बाद क्या है कि हमको बताते हैं वो जो रिपब्लिक्स है उनका भी मेंशन आता है मालव योधे अर्जुनायना मद्रक इनका कि इनको भी उन्होंने क्या कहते हैं तो ये तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया साउथ में क्या लिमिट है साउथ में बेसिकली नर्मदा तक नर्मदा तक पहुंच गए थे ठीक और फिर ये आ, क्या कहते हैं जो फ्रंटियर स्टेट्स को कब्जा करने के बाद ये फाइनली फिर जो सदर्न एक्सपेडिशन है वो लेते हैं सदर्न एक्सपेडिशन में चौदह राजाओं का उन्होंने नाम दिया है और लेकिन वो, आप कहते हैं कि मैंने सारे के सारे जो सदर्न रूलर्स थे उनको जीत लिया था तो वो भले ना और इंटरेस्टिंगली आप जब इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ा आ, बड़ा मतलब प्राउडली वो बताते हैं कि मेरे को जो लड़ाइयों से जो मेरे को स्कॉर्स हैं वो वो ग्लोरीफाई करते हैं तो एक वो फिर उसके बाद हमको क्या वो बताते हैं कि ये सब जो स्टेट्स थी फिर जो बाहर की जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके भी नाम आते हैं जैसे कि देवशाही शाहनुशाही ये बेसिकली जो लेटर थे मोस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से लेटर कुशानों की बात हो रही है शका का मेंशन है मुरुंड, सिंभला, सिंभला जो आपके श्रीलंका थे एक चाइनीज सोर्स है वो बताता है कि एक चाइना का सॉरी एक श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन करके उसने समुद्रगुप्त के पास एक पटीशन भेजी कि उन गिफ्ट्स के साथ कि मैं जो बोध गया का रिय बोधगया जो फेमस पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे एक सेंचुरी मतलब बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो श्रीलंका के जो भक्तजन आते हैं वहाँ पे उनके लिए तो समुद्रगुप्त का जो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो एक मेजर कॉन्क्वेस्ट जो हुई है सारी की सारी उसके बाद आ, मतलब एक ग्रेट एक्सपेंशन जो होता है वो समुद्रगुप्त के पीरियड में हुआ था तो गुप्ता एम्पायर तो ये जो हम वास्ट एक्सपेंस देखते हैं पूरा जो एट इट्स ग्लोरी गुप्ता एम्पायर वो यहाँ पे अचीव हो गया था इनके हाँ। इनके समय में हाँ लेकिन ना उसमें जैसे आप मैप देखोगे ऑनलाइन ना तो उसमें वो क्या करते हैं सदन वाली जो एक्सपेडिशन है उसको भी ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से सदन वाला लेना अच्छा नहीं है क्योंकि आप सदन एरिया को लोगे सदन एरिया में कोई हमको सिक्के नहीं मिले हैं कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिली हैं वो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी वो एक शक्ति प्रदर्शन टाइप का था तो मतलब सिर्फ इंस्क्रिप्शन के अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है सदरन एक्सपेडिशन को दिखाने के लिए नहीं उसमें एक एटलीस्ट एक्सपेडिशन uh, की बजाय इफ यूज द वर्ड कॉन्क्वेस्ट कंक्वेस्ट मतलब जीतता तो नहीं होगा उस सेंस हाँ, में एक इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है हाँ उसमें बस एक ये किया है कि जैसे कांची का एक रूलर बताया गया विष्णुगोप हाँ विष्णुगोप के वर्णन जो है वो नॉन गुप्ता सोर्सेज में साउथ इंडिया के में आता है अच्छा तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिबल था जैसे कुछ हिस्टोरियंस तो मानते ही नहीं है कि समुद्र गया भी होगा लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लेकिन एक्सपोडिशन हुआ होगा लेकिन आप कहो कि भाई कॉन्क्वेस्ट हो रखा है वहाँ पे गुप्ता गवर्नर्स आ रखे हैं तो वो नहीं था तो ये कंपेयर करें अगर मौर्य मौर्य एम्पायर से तो ये उस सेंस में कितना अलग है उस सेंस में तो बहुत अलग है आपको आ, हमको मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मौर्य एम्पायर में क्या हमको मिलता है क्या वहाँ के गवर्नर्स हाँ मौर्य एम्पायर में जो कर्नाटक का रीजन है वहाँ से हमको आ, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं अशोक की उसमें क्लियरली पता लगता है कि यहाँ पे एक मौर्य प्रिंस अशोक का बेटा यहाँ पे एज अ गवर्नर वॉइस रॉय था अच्छा तो उस सेंस में ये अलग है और वैसे दूसरी बात ये है ना कि भाई इतनी सारी इंस्क्रिप्शन हमको मिल रही हैं कर्नाटक रीजन में फिर उसके बाद जो जैसे एक यहाँ पे आंध्रा में इंस्क्रिप्शन है मौर्य पीरियड की लिखी इंस्क्रिप्शन पूरी की पूरी ब्राह्मी में है लेकिन जो राइट जिसने लिखवाई है ना वो अपना साइन जो है वो करता है खरोष्टी स्क्रिप्ट में अच्छा। खरोश्टी स्क्रिप्ट थी आपकी नॉर्थ वेस्ट की तो बेसिकली वो नॉर्थ वेस्ट का ओरिजिनली रहने वाला था वो आया यहाँ पे इंस्क्राइब वो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करने इंस्क्रिप्शन और अपनी जो सिग्नेचर टाइप का है वो करता हो खरोश्टी में तो एक तरह का वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपको मौर्यों का देखने को मिलता है उस सेंस में तो गुप्ता का था ही नहीं ठीक है तो ये इनका एक्सपेंस था इसके बाद चंद्रगुप्त टू हाँ तो चंद्रगुप्त लेकिन इसमें वही सक्सेशन वाली बात आ गई ना तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है सक्सेशन तो कौन पहले राजा क्या उसके समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दो का नंबर आया या कुछ गड़बड़ नहीं इसमें जैसे अगर जैसे इसलिए एंशंट इंडियन हिस्ट्री में ना बहुत सारी चीजें हमको जैसे आपने खुद ही देखा कि आदि तो एक्सप्ले स्पेकुलेशन पे काम चल रहा है तो अगर आप 1920 की किताब उठाएंगे अगर आप ना तो वहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड राजा बने लेकिन 1923 में एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट थे एस लेवी करके उन्होंने छह हिस्से एक संस्कृत प्ले के खोजे जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम विशाख ने लिख लिखा था विशाख के और भी पॉपुलर है जैसे मुद्र राक्षस एक पॉपुलर कौन से पीरियड की है ये ये बेसिकली फिफ्थ सिक्स सेंचुरी का था तो विशाख देवी चंद्रगुप्त की स्टोरी क्या है देवी चंद्रगुप्त में आता है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का बड़ा भाई चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई या समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बनता है और उसकी लड़ाई जो है वो शकों से हो रही है और शक गुजरात में है हाँ शक गुजरात में है उसके मतलब वैसा जो है वो टेक्स्ट में नहीं आता लेकिन हम जानते हैं शक गुजरात में है तो रामगुप्त की लड़ाई हो रही है शकों से और एक पॉइंट पे हारने की स्थिति में रामगुप्त होते हैं और जो शक राजा होता है वो ये ऑफर करता है कि भैया हम आपको छोड़ देंगे आप अपनी पत्नी जो है ना वो हमारे कैंप में हमको दे दो और रामगुप्त राजी हो जाते हैं अब ये बात पता चलती है उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं कि अपनी भाभी का वेश बना के या रामगुप्त की क्वीन का वेश बना के वो जाते हैं शक राजा के कैंप में और उसको मार देते हैं और फिर उसके बाद शकों को जीत लेते हैं ये स्टोरी है और फिर उसके बाद क्या है कि जब मार वार दिया तो भाई जाहिर सी बात है कि जो जो जनता है जनता में तो बड़े पॉपुलर बन गया वो आप क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है वो तो बहुत कायर था तो एक जेलसी फैक्टर हो जाता है रामगुप्त के कि मेरा जो छोटा भाई है बताओ उसने ये सब कर दिया तो अपनी जान बचाने के लिए ना कुछ साल जो है चंद्रगुप्त पागलों जैसे बिहेव करता है कि मैं तो पागल हो गया कि मेरे मेरी जान बच जाए मेरे को खतरा ना समझे और फिर एंड में जो बीच में क्या होता है वो सब हमको नहीं पता क्योंकि पूरा टेक वो जो जो टेक्स्ट है वो हमारे पास है नहीं लेकिन एंड में ये होता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड अपने बड़े भाई को मार देता है और अपनी जो भाभी है उससे शादी करके देवी देवी चंद्रगुप्त से फिर राजा बन जाता है अब इस स्टोरी के आधार पे बहुत लोग स्कॉलर्स क्या कहते थे उनके हिसाब से ये कहना था कि भाई ये सिर्फ लिटरेचर में लिख रखा है हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं।, नहीं तो बहुत लोग स्कॉलर्स ये स्केप्टिकल थे इस क्लेम को लेके लेकिन आप बाकी के जो लिटरेचर देखो जैसे बाण की हर्षचरित्र सेवन सेंचुरी में लिखा गया था हर्ष चरित्र में रामगुप्त का वर्णन आता है फिर हमको इंस्क्रिप्शन मिली है राष्ट्रकूटों की जो आठवीं नौवीं सदी में थे उनमें भी क्या कहते हैं रामगुप्त का मेंशन है और फिर उसके बाद विदिशा का जो इलाका है ना विदिशा के इलाके से हमको तीन स्टैचूज मिले हैं मूर्तियां मिली हैं जिनमें में मेंशन हो रखा है कि ये महाराजा दिराज रामगुप्त के द्वारा बनाई गई थी और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको कॉइन्स मिले हैं रामगुप्त के हा हा हा, ये तो फिर और सारे के सारे जो है वो ईस्टर्न और ये सारा जो एविडेंस मिला ये हमको 1920 के बाद मिला है 1923 के बाद

जो गुप्त राज है वो तो भाई गोल्ड कॉइन्स के लिए बहुत मशहूर थे गुप्ता रूलर्स तो गोल्ड कॉइन नहीं है मतलब कि ये कोई लोकल मालवा रूलर था जिसका नाम राम गुप्त था ये भी अच्छी थ्योरी है लेकिन लेकिन अब दिक्कत क्या है ना एक स्कॉलर है के डी वाजपेयी अच्छा। उन्होंने ये राम गुप्त के कॉइन्स एनालाइज करें तो दो टाइप के कॉइन हमको मिलते हैं ये जो कॉपर कॉइन्स हैं एक है जिसको कहते हैं लाइन टाइप कॉइन एक है गरुड़ टाइप कॉइन अब गरुड़ जो है गरुड़ सिंबल था एक एम्बलम था गुप्ता एम्बल गरुड़ ध्वज गरुड़ ध्वज का बहुत मेंशन आता है गरुड़िप्शन में और जितने मेजोरिटी जो कॉइन है रामगुप्त के वो सारे वो हैं गरुड़ ध्वज के कॉइन तो उसमें के डी वाजपेयी यह आर्ग्यू करते हैं ना कि भाई गरुड़ सिंबल जो है एक लोकल मालवा रूलर क्यों यूज करेगा और दूसरी बात अब क्वेश्चन एक आता है कि भाई चलिए हमने मान लिया कि रामगुप्त एक गुप्ता रूलर थे लेकिन उन्होंने फिर सोने के सिक्के क्यों नहीं बनाए तो उनका ये कहना है कि भाई जो ये सिविल वॉर थी ये दो तीन साल चली होगी और तो दो तीन साल में जो जहाँ पे सोने के सिक्के बनते थे जो मिंटिंग जहाँ पे होती थी और जो मिंटिंग प्रेस थी वो बेसिकली आप अगर मान लीजिए एक बड़े एम्पायर को रूल कर रहे हो तो जो सोने के सिक्के जहाँ पे आपके कॉइन्स इशू हो रहे हैं वो आपके कोर इलाकों में होंगे ना जैसे भारत है भाई अफगानिस्तान में जाके तो अपने सिक्के इशू करवाएगा नहीं तो क्या हमको रामगुप्त का कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं, मिल नहीं मिल गोल्ड कॉइन नहीं मिलता तो के डी वाजपेई का ये कहना है ना कि जो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की मिंटिंग जो होती थी वो इनके जैसे पाटलिपुत्र हो गया या ये प्रयागराज का इलाका हो गया यहाँ होती थी और ये इलाके क्या? जो थे आपके चंद्रगुप्त के हाथ में थे रामगुप्त का लगभग लगभग क्लियर है कि एग्जिस्ट uh, करता था रामगुप्त और दूसरी बात क्या है ना कि श्री राम गोयल जिनकी स्पेकुलेशन बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी हुँ. कि रामगुप्त ने शकों को जो देवी चंद्रगुप्त में आती है हुँ. कि शकों से हार कर अपनी जो पत्नी थी उनको देने चला गया था लेकिन चंद्रगुप्त ने वीरता दिखाते हुए शकों को मार दिया ये सब जो पूरी स्टोरी है ये बेसिकली एक एक तरह से आप कह सकते हो तो तो प्रोपोगेंडा है कि चंद्रगुप्त का जो एम चंद्रगुप्त का रूल को लेजिटिमाइज करने का अच्छा विशाख दत्त कोर्ट पोएट अगर रहा होगा चंद्रगुप्त सेकंड का तो जाहिर सी बात है भाई चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई को मारा है और इतना ये, ये, ये भी क्लियर है कि ये क्लियर है कि उसने मारा है नहीं उनका क्योंकि जो देवी चंद्रगुप्त जो देवी है ना उनके वो बाद में क्या कहते हैं कुमार की माँ थी तो देवी एक रानी थी नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहीं लिखा है क्या कि उन्होंने मारा है नहीं तो वो आप, आप, आप ये बताओ अगर आप राजा नहीं, नहीं, नहीं मैं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो मर गया हो हाँ। और फिर जो छोटे भाई ने शादी कर लिया उसके साथ उसकी पत्नी के साथ नहीं आप अगर मर भी गया होगा तो वो कॉइन्स क्यों इशू करता वो मालवाइन तो जब इशू किए होंगे ना जब उसने वो किया होगा जब वो राजा होगा लेकिन जब वो मर गया उसके बाद उसके छोटे भाई ने शादी कर ली उसकी जो पत्नी थी और वो राजा बन गया नहीं तो इसमें ये है ना क्या कहते हैं ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है नहीं पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है ना क्योंकि अगर मान लीजिए अगर रामगुप्त नॉर्मल वे में सिविल वॉर नहीं होती तीन या चार साल ही भले राज करता आपका ये कहना है कि सिविल वॉर मान लीजिए अगर नहीं हुई तो फिर उसके सारे के सारे कॉइन हमको ईस्टर्न मालवा में क्यों ही मिलते तो मतलब आपका कहना है कि वो ईस्टर्न मालवा में वहां उसका बेस बना रखा था अच्छा क्योंकि तो अगर मान लीजिए वो एक तरह से नॉर्मल गुप्ता रूलर होता तो तो अपने तो में। में वो, वो नहीं है अच्छा। ये तो यही आर्ग्यूमेंट है श्री राम गोयल का कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना कि रामगुप्त को बना दो भाई इतना कायर था कि अपनी पत्नी को देने चला गया ये पूरा का पूरा प्रोपोगंडा है चंद्रगुप्त सेकंड का और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है अपना जो रूल है वो लेजिटिमाइज करना चाहते हैं कि अपनी भाभी से शादी कर ली और आ, क्या कहते अपने भाई को मार दिया था ठीक तो चंद्रगुप्त तो ये जो स्टार्टिंग स्ट्रगल ऐसे हुई लेकिन अब चंद्रगुप्त के काल में एक इम्पॉर्टेंट जो वॉर होती है वो बेसिकली होती है शक कॉन्क्वेस्ट जो शक थे वेस्टर्न क्षेत्र अब हमने पहले आ, मेंशन करा था कि जो कुशान के पीरियड में सातवाहनों के साथ खूब लड़ाई हुई थी उनकी तो इस समय वो गुजरात के रीजन में रूल कर रहे हैं और 300 साल के लगभग इनका रूल था 300 साल से गुजरात में वहां पे सिमट गए थे पहले तो हाँ पहले तो बहुत बड़ा रीजन था लेकिन अभी भी एक सब्सटेंशियल पावर थे और सब्सटेंशियल पावर होने के कारण हम देखते हैं कि जो प्रिपरेशन थी समुद्रगुप्त ने इनको कॉन्कर नहीं करा था समुद्रगुप्त ने इतने लोगों को कॉन्कर करा समुद्रगुप्त लिखते हैं अपने उसमें कि मैंने शकों को भी जो है वो कॉन्कर कॉन्कर करा।, करा था क्योंकि हमारे जो हैं शकों के उसमें क्लियरली इशू हो रखे हैं वो समुद्रगुप्त के पीरियड में इशू हुए हैं तो कोई मतलब समुद्रगुप्त का कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई थी शका रीजन में लेकिन चंद्रगुप्त जो है अब भाई आपका जो पिताजी थे वो इतने सक्सेसफुल थे तो आप भी दिखाओगे कि ना और दूसरा जिस जिस सिचुएशन में उनका जो असेशन हुआ है बेसिकली सिविल वॉर के बाद तो एक उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि भाई आपको दिखाना है प्रूव करना है अपने आप को तो एक वो बेसिकली जो सबसे सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन और बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट कैंपेन होती है उनकी ये शक कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात अब चंद्रगुप्त के पीरियड के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हमारे दिल्ली की ही ये जो लॉ स्तंभ या आयरन पिलर कहते हैं तो उसमें अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसमें डिबेट है कि चंद्र मेंशन हो रखा है उसमें अच्छा इंस्क्रिप्शन बात करती है किसी चंद्र राजा की और दूसरी बात यह है कि जो ये आयरन पिलर था ये यहाँ पे नहीं था इतना भी हमको क्लियर विदिशा में था ना नहीं उसमें डिबेट है मोस्ट स्कॉलर का कहना विदिशा में था वो लाया गया था वो तोमरों के टाइम पे लाया गया था वो या बाद में लाया गया तो उस पर लेकिन कहते हैं कि विदिशा में था उदयगिरी के पास तो चंद्र ये चंद्रगुप्त अगर सेकेंड थे मतलब मेरे हिसाब से थे तो उसमें बताया जाता है चंद्रगुप्त सेकेंड ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में कि चंद्रगुप्त सेकंड की दो मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का वर्णन है एक तो है कि जो वंग कंट्री है वहां के चीफ्स को उन्होंने हराया और एक बहालिका में को उन्होंने काउंकर करा अब वंगा कंट्री बेसिकली आपका जो ये बंगाल का रीजन है ये है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जब सिविल वॉर थी ना तो ये वाला जो रीजन था उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास अच्छा मौका है क्योंकि अभी समुद्र गुप्त के पीरियड में तो ये गुप्त एम्पायर के पार्ट हुए थे तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त फ्री होते हैं तो इनको हरा भरा देते हैं अब जो भालिका कैंपेन है भालिका कैंपेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो कैंपेन है ये बेसिकली था प्रिपरेशन में कि समुद्र जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनको शकों से लड़ना है गुजरात में अच्छा क्योंकि आप देखिए जो शक थे उनको एक्सेस था हॉर्सेस का हॉर्सेस इंडिया में दो रास्ते से आते थे एक तो सी रूट के थ्रू आते थे और एक आते थे आपके लैंड रूट के मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से होके वैसे अब जो सी रूट था सी रूट बेसिकली गुजरात महाराष्ट्र वाला था गुजरात में भी शक क्यों आपको देंगे ब्लॉक कर रखा है उन्होंने और यहाँ क्या था कि यहाँ पे भी जो गुप्ता एम्पायर था वो बेसिकली आपका अफगानिस्तान तक तो था नहीं मद्रका बेसिकली आपके कहां तक आपके पंजाब का रीजन हो गया पंजाब रीजन में भी उनका पूरा रूल नहीं था तो आपको एक्सेस करना है आ, क्या कहते हैं आ, ये हॉर्सेस 380 एडी में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब ये बेसिकली दो तीन दो 376 के अराउंड चंद्रगुप्त सेकंड राजा बने थे इतना हमको पता है 380 एडी में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होती है कि हिंदू काबुल वैली तक कीदर राइट्स आ जाते बेसिकली हंस थे अच्छा नॉर्थ वेस्ट में हंस आ रखे हैं तो हनो ने मेरे हिसाब से उन्होंने भी जो हॉर्स की सप्लाई पहले आ रही होगी क्योंकि कट ऑफ कर, हाँ, कर दी तो ये एक्सपेडिशन जो था एक तरह से दो कारण रहे होंगे इसके एक तो प्यूनिटिव एक्सपेडिशन था कि भाई हंस जो है ये काबुल वैली तक आ गए तो काबुल वैली के बाद तो फिर पूरा खुला ही है एक तो एक्सपेडिशन प्यूनिटिव एक्सपेडिशन था कि हनों को वहां तक रोकना और दूसरा था सप्लाई ऑफ हॉर्सेस और हम अब इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि हम इस एक्सपेडिशन के बारे में इसलिए जानते हैं कि जो गिलगित बल्तिसान का रीजन है उन्जा में हुंजा हाँ, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और ब्राह्मी में लिखे गए हैं जहां पे मेंशन आता है चंद्रगुप्त चंद्र विक्रमादित्य हरिशेण इन राज और हरिशेण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हरिशेण जो था वो राइटर था समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका तो बेसिकली भाई आ, समुद्र समुद्रगुप्त के पीरियड में था तो चंद्रगुप्त के पीरियड में भी रहा ही होगा रास्ते और उसके बाद क्या है रघुवंश आप पढ़ोगे ना तो रघुवंश में मेंशन है कि रघु जो है वो कौकर करते हैं पराशिकाओं को पराशिका बेसिकली पर्जियंस को कहते थे और उसमें आप डिटेल जो है ना इतनी जैसे उसमें एक डिटेल आती है कि जब जो घोड़े हैं रघु के जब वो इस यहाँ पे लड़ रहे हैं ना तो उनके जो गले के बाल होते हैं ना वहाँ पे सेफ्रन जो है वो हो रखी है आ, क्या कहते हैं फंस गई है अच्छा मतलब सैफरन के खेतों में आप लड़ोगे तो घोड़े जो हैं वहाँ पे इधर सैफरन उसमें इंटरेस्टिंगली डिटेल आती है एक और कि जो हुणों को जब हराते हैं ये तो हरा हराने के बाद जो हुण थे उनकी जो लेडीज़ थी लेडीज में एक बेसिकली मतलब एक ट्रेडिशन क्या होता था जब उनके जो हस्बैंड्स थे वो मरते थे ना तो वो अपने जो ये गाल होते थे ना गाल को फाड़ लेते थे औरतें तो ये जो ट्रेडिशन है ये चाइनीज सोर्सेज में आता है कि ये की एक बहुत स्पेशल फीचर था कि उनकी औरतों का कि ये अपना रोना अलापना फिजिकल हार्म ऐसे करके करती थी और रघुवंश में यही जो है क्लियर मेंशन हो रखा है और इंडस क्रॉसिंग का मेंशन है तो तो ये मैच करते हैं सोर्सेज मतलब रघुवंश को बेसिकली लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त के उसमें बनाया गया है लेकिन मेरे हिसाब से जो ये वाला पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना ये चंद्रगुप्त का है तो चंद्रगुप्त ने बेसिकली ये अब सिक्योर कर लिया हॉर्सेस हॉर्सेस की सप्लाई आने लगी अब इनको करना है गुजरात में अटैक शकों पर अब लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जो गुजरात का रीजन है वो है बॉर्डर एरिया और गुजरात के बगल में जैसे अब नर्मदा है सेंट्रल इंडिया में नर्मदा तक इनका है और नर्मदा के नीचे है वकाटक वकाटकों से इनकी अच्छी बनती नहीं थी क्योंकि समुद्रगुप्त के पीरियड में समुद्रगुप्त से क्लैश हुआ था वकाटकों का और वकाटकों को नर्मदा के नीचे ढकेल दिया था समुद्रगुप्त ने, ने शादी तो की थी ना हाथ तो, तो, दो इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, उस है ना क्योंकि अब चंद्रगुप्त को क्या है कि भाई आपको अलायंस बनाना है गुजरात पे सीधे हमला कर दोगे तो वकाटक तो बैठ रखे हैं वकाटक आपको क्यों अलाउ करेंगे कि आप गुजरात पे हमला कर दो गुजरात के बारे जब आपने गुजरात जीत लिया है तो, वकाटक तो फिर आप वकाटक की बारी। तो वकाटक अगर चाहते तो भाई आप शक से हाथ मिला लेते कि हम दोनों इनको अपोज करते हैं तो समुद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं वो ब्रिलियंट एक डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी जो है वो करते हैं वकाटकों से अच्छा जब प्रभावती गुप्ता जो नाम है ना समुद्र गुप्त होता है और औरतों के लिए प्रभावित गुप्ता की मात्रा में लगती है तो मतलब नाम में गलत नहीं बोल रहा प्रभावित गुप्ता ही है, जाते तो, है मत बदल देना। हाँ, <laughs> तो रुद्र रुद्र, से, रुद्र सेन रुद्रसेन सेकंड से, से शादी होती है अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए वकाटक गुप्ताओं के कंपैरिजन में एक माइनर पावर थी ट्रेडिशनली हमेशा होता है कि भाई जो बड़ा राजा है छोटे राजा अपनी बेटी की शादी करते हैं बड़े परिवार में या बड़े राज परिवार में लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है गुप्त जो है वो इतना बड़ा साम्राज्य है वो अपनी अपनी प्रिंसेस की शादी कर रहा है एक कंपेरिटिवली देखा जाए तो एक छोटे माइनर पावर।, पावर में और इनके लिए भी अच्छा है इनको गारंटी मिल जाएगी बेसिकली कि भाई नॉर्थ से कोई अटैक होगा नहीं तो एक ये भी सिक्योर हैं तो ये मैरिज अलायंस करने के बाद इनकी फाइनल स्ट्रगल मतलब ये जाते हैं कॉन्क्वेस्ट uh, करते हैं गुजरात की अब आप जितनी भी बुक पढ़ेंगे ना अभी जितनी पब्लिश हुई है गुप्ता हिस्ट्री पे सब ये कहेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कॉन्कर कर लिया था गुजरात 1990 में दो स्कॉलर्स थे एक अमि, अमितेश्वर झा और दिलीप राजगोर करके उन्होंने एक बुक लिखी है सोर्सेस ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप कॉइंस ऐसे करके है बुक का नाम उसमें क्या है कि उसमें वो जब एनालाइज कर रहे थे ना तो उनको एक सिक्का मिलता है अच्छा बेसिकली आ, मैं पहले बता दूं कि जो जो शादी हुई थी ये प्रभावती गुप्ता की वो बेसिकली 388 एट्टी एट के अराउंड हुई थी और स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो आ, जो चंद्रगुप्त की शाखाओं के साथ लड़ाई हुई थी वो 409 पीरियड तक चला था 409 तक शुरुआत कब हुई थी शुरुआत बेसिकली लोग ये मानते हैं कि 400 के अराउंड शुरुआत हो गई थी तो मतलब 12 साल पहले ही अलायंस कर लिया इसका मतलब 12 साल पहले हाँ मतलब वो अलायंस तो पहले ही हो गया था और आप कह सकते हो कि क्योंकि इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि तो हो सकता है ना कि मतलब शादी पहले कुछ और कारणों से हुई हो उसके बाद उसने सोचा हो कि अब तो ये आसान है अटैक करना इसलिए किया हो नहीं लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है ना कि जो मिलिट्री बिल्डअप है वो हमको देखने को मिलता है कि मतलब ये ऐसी कैंपेन अच्छा। नहीं थी कि एक साल में क्योंकि क्या है कि कई सालों से बिल्डअप हो रहा था आपको भाई उनका बेस बेस पूरा पूरा का एकदम सिक्योर बेस है वेस्टर्न क्षेत्र मतलब रिच भी हैं क्योंकि भारत को ब्रोच जो आज का कहते हैं वो उनका पोर्ट है तो सी ट्रेड बहुत है तो वो क्या करते हैं अपनी शिफ्ट करते हैं विदिशा में जो गुप्ता है और विदिशा में जो जो मिलिट्री मूवमेंट है हम इससे भी देख सकते हैं ना हमको तीन इंस्क्रिप्शन मिली चंद्रगुप्त है चंद्रगुप्त के पीरियड की एक मिनिस्टर है चंद्रगुप्त सेकंड का ही जो कि संधि विग्रही का है संधि विग्रही का बेसिकली आप कह सकते हो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर कंबाइन रहता था तो संधि विग्रह का जो है वो बोलता है कि वो वो बेसिकली एट्टी ये मतलब उस, उसकी जो डेटिंग है गुप्ता ही गुप्ता एरा 82 है तो गुप्ता एरा 82 मतलब 400 402 403 एडी का है तो इसमें क्या है कि जो उसका नाम है शब संधि विग्रहिका का वो बोलता है कि वो चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त के साथ जो विश्व विजयी है उसमें उनका साथी है फिर उसके बाद एक हमको इंस्क्रिप्शन मिली है 413 की 413 की जो इंस्क्रिप्शन है वो भी विदिशा के अराउंड ही मिली है सांची में वो है एक अम्रकार दव की अम्रकार दव अपने आप को कहता है कि मैं पाटलिपुत्र का वासी हूँ और वो चंद्रगुप्त का एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर था और उसमें फिर मेंशन आ रखा है बैनर्स ऑफ विक्ट्री तो आप ये कह सकते हो कि 413 के अराउंड इम्पोर्ट मतलब उनको सक्सेस uh, मिल गई थी लेकिन अब इंटरेस्टिंगली क्या है कि सक्सेस का एक और हम इसलिए भी देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त सेकंड ने जो वेस्टर्न क्षत्रप्स के जैसे कॉइन्स थे ना उनको इशू करना शुरू कर दिया था अच्छा उनकी एकदम सेम तो से। मतलब वहां से कुछ सीखा उन्होंने हाँ अब अर्ली स्कॉलर्स का मानना था कि पूरा का पूरा पूरा गुजराती जीत लिया था तो ये जो अमितेश्वर झा और दिलीप राजगौर की जो स्टडी थी उन्होंने क्या देखा कि जो लास्ट शक रूलर था रुद्र थर्ड उसके जो सिक्के हैं ना वो 415 तक इशू हो रहे हैं अब तो मतलब तब तक पूर्ण हाँ। नहीं हुआ तो इसमें है। आप क्लियरली कह सकते हो और दूसरा क्या है कि वेस्टर्न क्षेत्र के साथ साथ एक और पावर जो है आपके वेस्टर्न गुजरात में बेसिकली सदर्न गुजरात का जो रीजन है वहां पे एमर्ज हुई है जिसका नाम है सर्व भट्टारक तो दो ये पावर है ये 415 तक अपने सिक्के जो है इनके इशू हो रहे हैं और दूसरा क्या है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं जो कि कॉपी है शकों के सिक्कों की वो सारे के सारे जो है वो ईस्टर्न गुजरात में ही है तो बेसिकली वो उसी एरिया में हुआ हो हाँ तो जो अब क्या है उन्नीस में जो ये चीज हुई ना सारी की सारी तो इससे अब क्या है कि अब परस्पेक्टिव जो है क्लियर हो गया है कि भाई चार सौ पंद्रह तक बट यार ये बताओ ये जो इतनी लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्या ये जो हिस्ट्री बुक्स है उसमें इनकॉर्पोरेट है या नहीं है नहीं सब? है वही तो मैं बोल रहा हूँ आप जैसे जितनी एनसीआरटी तो तो सीबीएसई वालों में ये सब डिटेल्स नहीं है लेटेस्ट वाली 1990 वाली और ये सब ये तो मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा डिटेल वैसे ही है अच्छा। ये शायद से नहीं होगी और ये तो हंड्रेड परसेंट नहीं होगी कि सबने सब ने सबको ये है कि भाई चंद्रगुप्त सेकेंड ने कॉन्कर कराया है गुजरात शकों को ये फुल कॉन्क्वेस्ट कुमार गुप्त के पीरियड में हुई थी ये कोई नहीं कहता अब कुमार गुप्त का क्या है कि फाइनली जो है कॉन्क्वेस्ट पूरे गुजरात की कुमार गुप्त के पीरियड में होती है उसके बेटे के हाँ कुमार गुप्त उसका बेटा है और जिस तरह उनके पिताजी के टाइम पे सिविल वॉर हुई थी उसमें हमको ये एविडेंस मिलता है कि कुमारगुप्त के पीरियड में भी एक सिविल वॉर हुई अच्छा और कुमार गुप्त जो था बेसिकली कुमार गुप्त की कुमार गुप्त जो ये आपकी देवी चंद्रगुप्त जो देवी थीं उनकी और चंद्रगुप्त का बेटा था फिर एक और इसका भाई था मतलब आप स्टेप ब्रदर ही कह सकते हो वो जो था उसका नाम था घटोत्क गुप्त तो सॉरी गोविंद गुप्त नाम था अच्छा गोविंद गुप्त नाम था हम इसके बारे में इसलिए जानते हैं कि वैशाली जो कि बिहार में है वहां पे हमको एक क्ले सील मिली है जिसमें बता रखा है कि एक महारानी का नाम है जिनका नाम है ध्रुव स्वामिनी ध्रुव स्वामिनी जो कि रानी है चंद्रगुप्त की और जिनका बेटा है महाराज गोविंद गुप्त अब महाराज गोविंद गुप्त जो टाइटल है उससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं के गवर्नर थे और एक गवर्नर कहाँ के हो सकते हैं स्कॉलर्स का कहना है कि ये भी मालव विदिशा के अराउंड के थे क्यों क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम पे ना हमको एक स्कंदगुप्त मतलब आप हम कुमार गुप्त के बाद चले गए हैं बहुत आगे हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है वो गुप्ताओं के गुप्ता से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसमें क्या मेंशन है उसमें मेंशन है चंद्रगुप्त का गोविंद गुप्त का और उसके बाद स्कंदगुप्त की बात हो रही है इनडायरेक्टली तो मतलब जो कुमार गुप्त ने जो रूल रूल था कुमार गुप्त था, उसका आपने नाम ही हटा दिया तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि बेसिकली जो जिसने लिखवाई है इंस्क्रिप्शन उसने जब सिविल वॉर हुई थी ना कुमार गुप्त के टाइम पे तो उस सिविल वॉर में गोविंद गुप्त का साथ दिया था और जब कुमार गुप्त आए तो भाई इनकी स्कंदुप्त फिर जब स्कंद गुप्त आते हैं तो स्कंद गुप्त ने फिर इनको वापस रीइंस्टेट कर लिया था तो इन्होंने अपनी भड़ास जो है वो अः कुमार गुप्त का अपने इंस्क्रिप्शन में नाम हटा के ही निकाली वैसे करके तो कुमार गुप्त आप बेसिकली कह सकते हैं कि एक मेन कंसोलिडेट कुमार गुप्त के पीरियड में जो टेरिटरी क्योंकि आपने गुजरात तो कॉन्कर कर ही लिया है और इंटरेस्टिंगली क्या है कि अब जैसे प्रभावती गुप्ता जो कि कुमार गुप्त की बहन थी अच्छा जो प्रभावती गुप्ता है ना उनकी जो माँ है वो देवी नहीं है देवी जो माँ है वो है कुमार गुप्त की कुमार गुप्त। इनकी माँ है उनका नाम है कुबेर नागा तो वो ये, चंद्रगुप्त की पहली पत्नी के पहली पत्नी दूसरी पत्नी ये तो नहीं पता लेकिन पत्नी थी और ये ये नाग प्रिंसेस थी अच्छा। और, और नाग प्रिंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ना कुछ सोर्सेज में मेंशन मिलता है कि जब समुद्रगुप्त ने नाग एरिया जो ये था पूरा इस पे कॉन्कर करा था तो उन्होंने उस टाइम नागों की एक जो क्या कहते हैं प्रिंसेस थी उसको वो अपनी कोर्ट में लेके आते हैं hmm. और उससे ये शादी करवा देते हैं अपने बेटे चंद्रगुप्त सेकंड की तो एक तरह से आप ये कह सकते हो समुद्रगुप्त का ये था कि भाई एक फार रीचिंग उनका ये था कि भाई नागों का जो अलायंस है मालव में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल को गुजरात में यदि कंकर करना हो या वकाटकों में करना हो तो नागों को आपको अलाय करना पड़ेगा मालव आपका बे, मालवा रीजन जो है वो बेस बनेगा वहां पे नाग हैं तो नागों का अलायंस तो चाहिए अच्छा जब प्रभावती गुप्ता की बात आती है ना तो प्रभावती गुप्ता की जब आप देखते हैं तो रुद्रसेन से शादी हुई थी इनकी अब रुद्रसेन ज्यादा समय तक जीते नहीं है मर जाते हैं जल्दी तो वो रानी बनती है रिजेंट बनती है उनके तीन बेटे और एक बेटी तो थी लेट रानी तो थी सॉरी हाँ रानी तो थी अब प्रभावती गुप्ता की दूसरी क्या बात है ना कि आप इन्फ्लुएंस देख सकते हो कि गुप्ता इन्फ्लुएंस कितना है पहली बात तो जब ये रुद्रसेन सेकंड जो वकाटा का रूलर है जब ये मरता है तो वकाटकों की बेसिकली ना ये इफेक्टिवली वो वो रीजन भी आप कह सकते हो कि वो टाइप का ही हाँ और वो इसलिए है ना क्योंकि वकाटक बेसिकली साउथ ऑफ नर्मदा है रीजन और वकाटकों की दो ब्रांच है एक है नंदीवर्धन ब्रांच और एक है वात्सगुल ब्रांच ये दो सिटीज थी कैपिटल्स थी तो जो नंदीवर्धन ब्रांच है वो मेन ब्रांच थी और वकाटक जो प्रभावती गुप्ता है उनकी शादी ये नंदीवर्धन ब्रांच में हुई थी अब जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु होती है ना अब कोई नॉर्मल रानी होती तो भाई सीधे जो वत्स्य वाले हैं वो कॉन्कर कर लेते कि भाई राजा मर रखा है सबसे लेकिन क्योंकि उनके पास जो गुप्त साम्राज्य की बैकिंग है तो ये नहीं करते और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुप्ता इन्फ्लुएंस है आप कैसे देख सकते हो कि जो वकाटक हैं अपने आप को शैव बोलते हैं लेकिन जो रुद्रसेन सेकंड है प्रभावती गुप्ता के पति वो अपने आप को वैष्णव या विष्णु के भक्त कहते हैं क्योंकि वो गुप्ता, गुप्ता जो गुप्ता थे वो अपने आप को परम भागवत वैष्णव कहते थे और दूसरा क्या है कि प्रभावती गुप्ता की आप इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो ऐसे लगता है कि गुप्त इंस्क्रिप्शन है क्यों है प्रभावती गुप्ता वकाटक की क्वीन है रेजेंट है लेकिन जो पहले की सात लाइन है उसमें वो जीनियोलॉजी बता रही है गुप्त सावरा और दूसरी उससे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है अपने पति के लिए वो टाइटल इस्तेमाल करती है महाराज hmm. अपने पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए इस्तेमाल करती है महाराजा धीराज hmm. <laughs> तो उस सेंस में आप देख सकते हो कि इंटरेस्टिंग hmm. अब, अब, होता क्या है कि जो पहला बेटा है उसका नाम था दिवाकर सेन उसकी मृत्यु हो जाती है दूसरा बेटा जो है प्रभावती गुप्ता की जो डेथ है मतलब वो बारह तेरह साल के करीब रेजेंसी में रहती हैं उसके बाद जो पहले बेटे की तो मृत्यु हो चुकी थी दूसरा बेटा दामोदर सेन कुछ साल के लिए राजा बनता है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है जो तीसरा बेटा है उसका नाम है प्रवरसेन सेकंड प्रवरसेन सेकंड क्या है कि उसको पता था कि भाई हम मेरे ननिहाल का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा है तो वो सबसे पहला डिसीजन क्या लेता है कि वो नंदीवर्धन क्योंकि गुप्त टेरिटरी के पास है तो नंदीवर्धन से साउथ अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है प्रवरपुरा और चार सौ एडी में जो प्रभावती गुप्ता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है अब चार जो एडी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना कि इस पीरियड में जो गुप्त साम्राज्य है कुमार गुप्त का जो रूल है वो एंड की तरफ जा रहा है और सबको पता है कि भाई सिविल वॉर होने वाली है। एक सिविल वॉर होगी और सिविल वॉर के बेसिकली आप कह सकते हो तीन कंटेंडर हैं एक है पुरुगुप्त पुरुगुप्त बेसिकली कुमार गुप्त का बेटा था और कुमार और अभी छोटा होता उम्र में तो एक कोई रियल कंटेंडर नहीं है मेन फाइट दो बंदों के बीच में एक है घटोत्कच गुप्त और एक है स्कंद गुप्त घटोत्कच गुप्त आप एक तरह से कह सकते हो भाई है स्टेप ब्रदर है कुमार गुप्त का लेकिन दोनों में एज रिलेशन बहुत ज्यादा है और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि प्रभावती गुप्ता का क्वीन जो है और जो गुप्ता प्रिंसेस भी हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी जिसका नाम है अतिभावती उसकी शादी करा रखी है घटोत्कच गुप्त से तो वो एक नेचुरली उनको सपोर्ट मिल गया लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग ये आती है कि प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता प्रिंसेस हैं वो ये शादी करवा रही हैं एक अपने। तो मतलब मामा से शादी करवा रही है अपनी ठीक है तो और ये मालवा ये मालवा विदिशा का रीजन जो है ये घटोत्कच के अंडर है तो घटोत्कच का पल रहा भारी लग रहा है कि भाई वकाटकों की बैकिंग है उनको और स्कंदगुप्त जो है स्कंदगुप्त की जितनी भी आप इंस्क्रिप्शन देखोगे ना उसमें क्या है कि वो अपनी माँ का नाम नहीं लेते कभी अच्छा उन और उससे हिस्टोरियंस का ये मानना है ना कि जो उनकी माँ थी स्कंदगुप्त की ना या तो वो माइनर प्रिंसेस थी माइनर क्वीन थी कुमार गुप्त की या तो क्वीन ही नहीं थी अच्छा हाँ लेकिन ये जो एक क्रेडिबल वो ना होने के कारण भी मिलिट्री एलिगेशन मिलिट्री जनरल बहुत अच्छे थे स्कंदगुप्त क्योंकि अपनी इंस्क्रिप्शन में वो कहते हैं कि भाई जब कुमार गुप्त जिंदा थे ना उस टाइम पे एक पावर थी पुष्यमित्र करके पुष्यमित्र पुष्य कौन थे हम नहीं जानते लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट था गुप्त एम्पायर का उनको उन्होंने स्कंदगुप्त ने हराया तो 445 के अराउंड जो है लड़ाई शुरू होने लग जाती है अब कुमार गुप्त की जो मृत्यु है वो होगी 447-448 एडी के अराउंड लेकिन उससे पहले ही लड़ाई जो है शुरू हो जाती है और हम कैसे कह सकते हैं लड़ाई शुरू हो रही है एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमको प्रवरसेन सेकेंड की और प्रवरसेन सेकंड जो है वो हैं त्रिपुरी में मिलिट्री कैंप में अपने त्रिपुरी का जो रीजन है बेसिकली आज का मॉडर्न तेवर जबलपुर के पास है जबलपुर आता है आपका नर्मदा के नॉर्थ में गुप्ता टेरिटरी में तो बेसिकली एक वकाटक आर्मी जो है वो आ गई है गुप्ता टेरिटरी में बेस बना रखा है उसने तो जाहिर सी बात है कि भाई कठोत्क का सपोर्ट करने के लिए आई होगी ले अब हमको कहीं पे मेंशन नहीं आ रखा कि भाई कि रिजल्ट क्या था आ, कि मतलब रिजल्ट तो पता है हमको कि लड़ाई कैसे चली ये नहीं जानते हम लेकिन इतना पता है कि जब आप स्कंदगुप्त के सिक्के देखोगे ना तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वो स्टार्टिंग उनकी इशू डेट है वो है फोर फिफ्टी फोर फोर फोर्टी फाइव ए डी और कुमारगुप्त के आखिरी सिक्के हैं चार सौ सैंतालीस चार सौ इंट तो ये सात आठ साल का पीरियड है इसमें कोई गुप्ता रूरल सिक्के अपने इशू नहीं करवा रहा तो बेसिकली सात आठ साल तक ये सिविल वॉर चलती है और फाइनली जो है वो स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त रूलर बनते हैं फोर फोर्टी फोर फिफ्टी फोर फोर फोर्टी फाइव एटी में अब इंटरेस्टिंगली एक और बात क्या है ना ये जो प्रवरसेन सेकेंड है ना ये अपनी एक इंस्क्रिप्शन में लिखता है ना कि उसने अपनी जो बहन थी उसको वापस लेके आया था बहन कौन जो घटोत्क की अतिभावती को वापिस लेके आया अपने टेरिटरी में और वो वापिस इसलिए लेके आया क्योंकि स्कंदगुप्त का भी फोकस जो है वो है नॉर्थ वेस्ट पे क्यों क्योंकि तो जो हंस हैं वो आ गए आने लग रहे हैं यहाँ पे तो अगले में हम उन पे बात करेंगे जो इन्वेजन होता है तो ये हमने सारी बातें कर ली पूरा जीनियोलॉजी बैकग्राउंड एक्सपेंशन कहाँ लड़ाइयाँ हुई क्या है अब ये बताइए कि ये जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है ये क्या इसका क्या कारण है गोल्डन पीरियड क्लासिकल पीरियड ये जो हैं दो टर्म्स इस्तेमाल करे गए हैं और बेसिकली जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे जैसे आर सी मजूमदार आर डी बनर्जी ये इन सब ने यूज़ करा गया है आर जी लेकिन इंटरेस्टिंगली पता है क्या है कि आ, हमारे पास ऐसा जब हम पढ़ते हैं ऐसा तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो आ, आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे ना वो गुप्ता एम्पायर को प्रेज ही करते थे के पी जयसवाल को आप पढ़ेंगे तो के पी जावाल अपनी हिंदी हिंदू पॉलिटी में लिखते हैं कि वो बल्कि वो कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा काम करा लेकिन उनके उनके हिसाब से जो रिपब्लिकन रिपब्लिकन पावर्स थी जैसे यौधे मालव इन सबको इन सबको इन्होंने हरा दिया हुँ. तो वो क्रिटिसाइज करते हैं तो बेसिकली नेशनलिस्टिक व्यू एक ये था कि एक तो बना लेकिन यूनिफाइंग बना आर्ट कल्चर इस समय पीक पे रहा और एक एक आप कह सकते हैं कि जो जितने भी संस्कृत ड्रामास के उसमें जितने भी आपके लिटरेचर लिट्रे, अच्छा। या आर्किटेक्चर के उसमें एक रिफाइनमेंट जो इस पीरियड में आई ना वो बहुत यूनिक थी आरसी मजुमदार के हिसाब से जो जो एक रिफाइनमेंट इस पीरियड में आई थी वैसी रिफाइनमेंट अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं अच्छा। आरसी मजुमदार ऐसा लिखते हैं वो को क्लासिकल पीरियड इसको कहते हैं और फिर उसके बाद बाद के स्कॉलर्स जैसे कि रोमिला थापर के वो क्लासिकल पीरियड का जो ये पूरा वो है ना उसको अपोज करती हैं उनका ये कहना है कि इस पीरियड को आप क्लासिकल ना कह के थ्रेश होल्ड टाइम्स करके टर्म यूज करी गई है थ्रेश होल्ड टाइम्स में बेसिकली आप ये उनका कहना है कि जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है ना चीज़ों का कि हिंदुज्म या क्या है जैसे महाभारत और रामायण के जो फाइनल वर्जन्स हैं कंपाइल पूरे फ, आ, फाइनल फॉर्म में इस पीरियड में आए तो एक स्टैंडर्ड सेट इस पीरियड में हुआ था ये कोई क्लासिकल पीरियड एस सच नहीं था नहीं। फिर आप आर्ट ये डी एन झा मार्क्स स्कॉलर्स और स्कॉलर हैं उनको आप पढ़ेंगे तो वो तो पूरा ही पूरा अपोज करते हैं उनके हिसाब से कुछ नहीं था अब एक स्मॉल सेक्शन था सोसाइटी का उस उनका गोल्डन पीरियड रहा होगा तो रहा होगा मतलब ब्राह्मणों का या हाँ ब्राह्मण या एलिट्स का था और जो नॉर्मल लोग थे उन, उनकी तो हालत खराब ही थी उनका तो यही रहता है ना लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई एंशंट पीरियड एंशेंट टाइम्स में आप किसी भी सिविलाइजेशन में चले जाओ कौन सा ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पेक्टली exactly. और अभी भी आ, अभी भी। <laughs> कोई ऐसा तो कोई भी कोई यूटोपियन स्टेट तो है नहीं के भाई सारे के सारे लोग मजे में ही जी जिनमें एलिट्स का बुरा टाइम और हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम है ये कौन सा टाइम हुआ है तो एक ये एलिगेशन मिलता है तो जो क्लासिकल पीरियड या गोल्डन पीरियड की जो टर्मिनोलॉजी है उसका परसेप्शन जो है वो थ्रू आउट चेंज होता गया है तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट चलो जय भाई बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फिर से हम अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम हर्न इन की बात करेंगे और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में फिर से बता दो हिंदी वाला जो क्या नाम है उसका द स्टोरी ऑफ इंडिया नाम है और उसमें बेसिकली जैसे आपकी पॉडकास्ट पर जब आया था पहली बार तो बहुत लोग वहाँ से फिर मेन चैनल पे आए थे इंग्लिश वाले इस बार हम उसको टैग कर देंगे ठीक है तो मेन चैनल पे आए थे तो उनका एक वो वो कमेंट था कि भाई हिंदी में, में होना चाहिए हाँ, हिंदी में होना चाहिए आपने प्योरली हिंदी में है और आ, आपने भी सजेस्ट करा कि हिंदी चैनल हिंदी में बनाओ कंटेंट हाँ, नहीं नहीं तो उस पर कुछ काम चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच ठीक है वापस मिलेंगे जल्दी शीघ्र नमस्ते